चार बंधु नेपाल से हैं और इनकी थंका पेंटिंग इनका स्पेशली है और ये थंका पेंटिंग बहुत ही बारीकी से काम किए हैं, इतना बारीकी डिटेल काम किए हैं और इनके बारे में मैं विशेष जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले ये पेंटिंग देखिए, स्पेशली ये पेंटिंग कितना बारीकी किया हुआ है इसका आप सोच सकते हैं। बहुत महंगा इसका अलग क्लॉथ होता है और यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 4 फीट बाई 3 फीट बाई साइज। इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिलती है और ये सब पेंटिंग विदेशों में सेल होती है। अब मैं विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ, हाँ नमस्ते जी, हाँ नमस्ते, आपका नाम क्या होगा? शुभ नाम, व्हाट्स योर नेम? सूर्य लामा सर। सूर्य लामा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं काठमांडू से आया। अच्छा अच्छा, और पहले धर्मशाला में रहता है। अच्छा, अभी बहुत टाइम में पहुँच गया। अच्छा अच्छा, और अभी गए बहुत कब से हैं? कब से हैं यहाँ पे? मैं अभी 2 महीने। ओनली 2 मंथ से आप हैं? नहीं, पहले तो पहले बहुत पहले से। पहले आप आए थे 2019 में लॉकडाउन हो गया। अच्छा अच्छा, उसी टाइम से अभी इसी से। यहाँ की संस्कृति बिहार की, भारत की खास तौर पे कैसा लगता है यहाँ का रहना सहना? बहुत अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए आप अक्सर आते जाते रहते हैं। आप अपने बारे में विशेष बताएं, इससे जुड़ाव कब हुआ और ये जो आप बनाते हैं इस कला का नाम आप विशेष रूप से बताएं? कला का नाम थंका पेंटिंग सर। हाँ हाँ, मतलब कबड्डी पेंटिंग, तो पेंटिंग बोलते हैं सर, कपड़े के ऊपर बनाते हैं थंका पेंटिंग। कपड़े के ऊपर को बोलते हैं थंका पेंटिंग। और ये बुद्ध का लाइफ स्टोरी सर, बुद्ध के जीवन, और यहाँ से शुरू है जन्म से मरण तक। अच्छा अच्छा, बुद्ध के जीवन, बुद्ध का जो है जन्म से मरण तक जी सर, बुद्ध का लाइफ स्टोरी सर। लाइव स्टोरी, ये स्पेशली एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? इसका लगते हैं सर लाइव स्टोरी का लगभग 2 महीना। 2 महीना लग जाता है? तो जब आप बनाते हैं तो इसकी कीमत मिल पाती है इतना? इतना तो अभी बाजार से सर। अच्छा, तो फिर भी जैसे आप बनाते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो आपकी जैसे डिमांड रहती है तब ना आप इसको बनाते रहते हैं? डिमांड तो लद्दाख में बिकता है। लद्दाख में? जी जी, नहीं लद्दाख में, चलिए अगर बुद्ध गए में इतना टूरिस्ट नहीं है, लद्दाख में हमारा टूरिस्ट खरीद कर अंग्रेज बराबर खरीद। देखिए, इनका कहना है कि ये लद्दाख में ज्यादा सेल होता है, यहाँ उतना हो नहीं पाता है, लेकिन कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा इनको नुकसान हुआ था। हालांकि इसी से जुड़े हुए हैं, इनका पेशा ही यही है, कला संस्कृति से जुड़े हुए और अपनी बुद्ध की जीवन, बुद्ध से रिलेटेड सारा पेंटिंग बनाना, थंका पेंटिंग वगैरह। सर, इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं? ये सर पहला एक नंबर में ये सर्कल हो गया कमल लोटस जी। अच्छा अच्छा, अरे ये लास्ट वाला हो गया आग जी, आइस, फायर जी। अच्छा अच्छा, अगर इसमें आ गया ये लॉन्ग लाइफ बुद्ध का मंत्र जी, लॉन्ग लाइफ बुद्ध का मंत्र, ओम मानी पद्मे हुम। जब हम लोग ये माला भी गंदा है ऐसे बोल की। अच्छा अच्छा, अगर माला तो हम लोग खुद एक ही गंदा है ना, और ये हो गया तो सारा कस्टमर लोग खरीद गया, वो घर में टाएंगे, ओम मानी पद्मे हुम मंत्र जप सकते हैं। कलर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कलर तो ये ऑयल पेंटिंग दिस इज ऑयल स्टोन, और ये तो गोल्डन कलर। कौन सा? गोल्ड। अच्छा, गोल्डन कलर ही कौन सा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का गोल्डन कलर? तो ये बोलते हैं ना सर, ये पीला वाला, ये पीला वाला, ये तो गोल से बना, गोल। अच्छा, इसमें आप जैसे ये ब्लैक कलर जो डाले हैं, ये ब्लैक कपड़ा ही है कि आप पेंट कर रहे हैं? कपड़ा ऐसे व्हाइट होएगा। अच्छा, व्हाइट कपड़ा, व्हाइट होएगा जी। हाँ, अगर आपका ये तो कलर डाला है,
अच्छा अच्छा कलर के ऊपर फिर गोल्ड पेंट है। इतना डिटेल निकालने और तो इसका आप जैसे जैसे होता है टेक्सटाइल में डिजाइन ट्रांसफर किया जाता है इधर से उधर की ओर, तो आपने डिजाइन को ट्रांसफर करने का कोई तकनीक तो इस्तेमाल किया होगा? इसमें सर सेंटीमीटर होता है। अच्छा अच्छा सेंटीमीटर के साथ अभी बराबर है नजर सेंटीमीटर पहले फ्रेम बनेगा इसका कॉस्ट लगभग अगर आप लेह लद्दाख में बेचे तो क्या होगा? 25,000। लेकिन फिर भी कीमत सही नहीं लग पा रही है इतना मेहनत 25,000 मैं खुद बना रहा हूँ सर चलेगा इतना भी चलेगा पूजा का सामान है ज्यादा नहीं लेना। अच्छा ये भी एक है रिलीजियस की भाई मैं पूजा का सामान बना रहा हूँ पेंटिंग कर रहा हूँ तो इनकी अपनी इच्छा है कि मैं उतना ही कीमत लूँ जितना हमें लागत लगी है या उससे रहन सहन की वो चीज निकल जाए। इसके बारे में थोड़ा बताएं आप प्लीज। पहला स्टार्टिंग सर। अच्छा ये माया देवी। माया देवी जी माया देवी सपने तो इसमें सपने आई थी वो सफेद हाथी का और उसके बाद फिर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये सर सफेद और ब्लू अगर किसी को अपना जो पावर का हिसाब से होता है सफेद भी होता है ब्लू भी होता है काला भी होता है एक रवि एक मंगी एक हाथी एक लामा चार होता है चार में भी अपना आधा 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 करके सफेद सफेद होते हैं इस हिसाब से माया देवी अरे यहाँ पर आपका बोन ये बुद्धि का पेट पकड़ के यहाँ पर जन्म हो गया सर यहाँ पर जन्म हो गया और यहाँ पर मेडिटेशन यहाँ पर हो गया सर और यहाँ पर निर्वाण। अच्छा यहाँ निर्वाण हाँ और एक यहाँ से सीढ़ी है ना सर ऊपर से हम लोग बोलते हैं लाभ आप ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति का वो जो एक प्रकाश आ अच्छा देखे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इसका कोई मेजरमेंट होता है बनाने का इसका कोई मैनेजमेंट मतलब नापने मतलब का कोई चीज ऐसा इसका पहला कैनवस तैयार करना है ना उसके बाद में आपका मेजरमेंट दो उस भाग में कुछ रखना है इस भाग में कुछ होता है मतलब कि कंपोजिशन मतलब कि एक एक इसके अंदर एक कैनवास के अंदर उनका पूरा लाइफ कम बिक रही है तो बहुत ये बात है अफसोस की बात है बहुत गया मैं आपकी पेंटिंग तो धड़ाधड़ बिकनी चाहिए। मैंने टूरिस्ट की बात है जब समय रहता है तब टूरिस्ट लोग आते हैं जब जैसे ये रहता है तो उसकी वजह से मेन है फाउंडर लोग की ऊपर भी डिपेंड करता है सारा चीज है ना 19 में अच्छा हुआ था। हाँ बिल्कुल वही चीज है ये थंका ही पेंटिंग वो तुमको पता है आपका नाम क्या है? सूर्य लामा सर। और कहाँ रहते हैं आप? धर्मशाला पहले पास तो नेपाल स्कूल में टेक्निक मतलब इसका बुक पढ़ना पड़ता है पेंटिंग
ब्रश दिखा दीजिए जो वो कलर वाला सेम ये सर बुद्धा लाइफ स्टाइल वो छोटे में है सर ये बड़े में ये बड़ा में अगर यहाँ भी सेम है सर अगर यहाँ से यहाँ और बीज वाला और मेडिटेशन हाँ जी जो निर्वाण हो गया यहाँ पर लास्ट बॉडी बॉडी ले हाँ जा रहे हैं डेथ के बाद जो बॉडी लेकर जाया जाता है और यहाँ पर बुद्ध घोड़े में सवार हो घोड़े में सवार हो पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो नहीं पाया जी जी से छोड़ देगा दूर मत कीजिएगा ज़्यादा दूर नहीं चलेगा यहाँ पर वो जो कवर लूटा है ना सर कवर लूटो वहाँ पर बाल काट रहे अच्छा हाँ जी अच्छा बाल को काटते हुए अगर यहाँ निर्वाण है यहाँ निर्वाण पूरा जातक करते हैं यहाँ हो गया आपका जो मेडिटेशन कर रहा है पूरा हर हर देवलोक में देवलोक में वो सारी अप्सराएं हैं अजी वो इसको दिखाने दिखाए हर हर जानवर का फेस कर लेगी बुद्धा को डिस्टर्ब कर आज देखें सूर्य लामा जी से मिल करके तो बहुत अच्छा लगा इनके बारे में थोड़ा जीवनी भी समझ गए और ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया है सर थोड़ा सही रहा तो बहुत खुशी हुआ सर आपसे मिल करके और इतनी मेहनत कला संस्कृति में आप कर रहे हैं कला को अपने जीवन में ही ढाल लिए हैं इस पे पूरा बुद्ध जीवन अपने धार्मिक को ही गया सर पूरा इस पे निछावर करके आपके भगवान बुद्ध आगे की ओर रास्ता अच्छे से दिखाएं आपका मार्ग प्रशस्त करें और मैं जानना चाहता हूँ आसिफ अहमद जी से कि आसिफ अहमद जी कैसा लगा इनकी मेहनत थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा यहाँ पे थंका पेंटिंग इनके द्वारा बनाया गया है सूर्य लामा जी के द्वारा और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बुद्ध से बुद्ध की जीवनी को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से थंका पेंटिंग के द्वारा दिखाया है जो कि एक गया शहर में रहने वाले ये सर कहाँ के रहने वाले हैं नेपाल काठमांडू के रहने वाले हैं गया शहर में अभी फिलहाल आते जाते रहते हैं और हम लोग कलाकारों के बीच एक अच्छे कलाकार आए हैं और इनकी पेंटिंग को देखकर हम लोग बहुत चीज सीखे हैं इनसे और बोध गया तो ऐसे भी फेमस जगह है थंका बुद्ध से रिलेटेड बुद्ध जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लांबा जी से मिलकर भी हम लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छा लगा इनकी बहुत ही अच्छी कलाकृति और पेंटिंग देख सकते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीजें उनका जो जीवनी से बुद्ध की जातक कथाएं कहा जाता है और एक बुक होता है इसका स्पेशलिस्ट और ये सारी जितनी भी है सारे जो फिगर है ये आप देख रहे हैं ये एक मेजरमेंट के थ्रू बनता है मेजरमेंट जो होता है इसका बहुत ही परफेक्ट होता है जिस तरह से आंख को बनाना नाक को बनाना और होंठ को बनाना ये पूरा एक डायमेंशन और मेजरमेंट में बनता है तो बहुत ही बारीकी काम है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है डेडिकेशन के साथ पेशेंस के साथ इस पेंटिंग को किया जाता है तो बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख कर और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और इस आज के दिन इस तरह का आयोजन जो किए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आसिफ अहमद जी आपने इन पे प्रकाश डाला बहुत अच्छा ये बहुत दूर से आकर के इस तरह का कर रहे हैं हमारे गया के कलाकारों का एक मनोबल भी थोड़ा सा ऊंचा कर दे रहे हैं कि भाई इतना दूर रह करके ये पेंटिंग इतना अच्छा करे तो हम लोग को भी अच्छा करना चाहिए अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर आप अपना परिचय देते हुए जरा बताएं ये कैसा लगा पेंटिंग इनके बारे में थोड़ा सा मैं हेमंत तिवारी दलित कला शिक्षक यहाँ में अतिरिक्त ब्लॉक में लाइसेंस लाइसेंस विधा में पोस्टेड हूँ आज अशोक सर के नेतृत्व में
एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ जिसमें सारे कलाकार गए थे आए और अपने यहाँ पे एक पतंग उत्सव और कुछ पेंटिंग डिस्प्ले लगाया गया है। पेंटिंग डिस्प्ले एक नेपाल के आर्टिस्ट सूर्य लांबा जी द्वारा लगाया गया है जो गया में आकर के अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बुद्ध के जातक कथाओं का अंकन किया है जिसमें जन्म से लेकर के बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें जो रंग संयोजन और इसमें जो लाइन्स का जो उपयोग किया गया है बहुत ही सुंदर है। ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसमें गोल्डन का जो टच दिया गया है वो और भी कला को बहुत उभार रहा है। और ऐसे ये थंका पेंटिंग है जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रचलित परंपरागत पेंटिंग है। लांबा सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और गया में आए और उन्होंने अपना कला का प्रदर्शन किया जो कि हम लोग के लिए एक खुशी का एक अच्छा खुशी का एक माहौल बना और हम लोग इसको चेक करके काफ़ी आनंदित हुए और इन्जॉय किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रूपक सर से आग्रह करता हूं कि सर थोड़ा सा इनके बारे में, इन कलाकार के बारे में थोड़ा सा बताएं और बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट है। मैं थोड़ा सा विशेष जानकारी इनकी बहुत अच्छी लगी थंका पेंटिंग। एक्चुअली मैं 1 महीना पहले बोध गया गया था, वहाँ मैंने देखा है अचानक उनसे जरूर मुलाकात हुई नेपाल से, उससे उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और चूँकि थंका पेंटिंग बहुत बुद्ध से रिलेटेड ये रहता है, थंका पेंटिंग जिसे कहते हैं पूरे जीवन सभी को उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है और अद्भुत कलाएँ की। और सबसे बड़ी बात है बहुत तपस्या है, ये कोई कलाकारी नहीं की तपस्या बनाते। और सूर्या जी ने हमें बताया कितनी कड़ी मेहनत से ये उन्होंने सीखा है, बचपन से उन्होंने सीखा है। और ऐसा नहीं कि बस पेंटिंग कर दिया, इसके साथ इनका जो रहता है ना दिनचर्या भी इसकी कहानी पता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पेंटिंग करने आते कपड़े में ही अर्चना के साथ उसको मानते ही पूजा मानते हैं, पूजा के साथ साथ बड़ी बात है कि मैंने जब इनसे कहा कि ऐसे कार्यक्रम है गया कि कलाकारों की कोचिंग होने वाली है आप चलेंगे क्या, वहाँ पे बाकी कला को लोग देखना चाहेंगे, ये शहर से बाहर होंगे, बोले कि नहीं मैं पूरा दिन आपके लिए है सब कुछ करूँगा, मैं इन कलाकारों भी जाना चाहता हूँ और वहाँ के लोगों को भी गया के वहाँ के लोगों को भी जानना चाहते हैं कि वो क्या बनाते हैं। तो मैंने कहा अभी तो फिलहाल आपकी देखेंगे, हम लोग आपकी कलाकृति को लोग देखेंगे, आपके लिए समय मांग लेंगे और हम यहाँ की जो कलाकृति है यहाँ आप लोग आर्टिस्टों का जो है ये देखना चाहते हैं और ये आपको दिखाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को एक मीटिंग करें और हम लोग चाहेंगे कि इनके साथ आपका इंटरेक्शन यहाँ के कलाकारों का हो ताकि आप भी अपनी कला को इनको दिखा सकें। ये अपना प्रचार प्रसार जो है यहाँ जैसे हो रहा है ये अपने नेपाल में भी आप लोगों की बात रखेंगे और एक प्रदर्शनी भी ये करें कि मैं वहाँ नेपाल में लगाऊँ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल हम लोग आगे